दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी जिसका नाम है चिकन स्ट्यू। इस मेथड से आप एक बार इसे बनाओगे तो बाहर से कभी नहीं मंगवाओगे। इस तरह की डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। दोस्तों मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका गौरव किचन में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ 1.25 किलो तक चिकन ले लिया है और इस पे ऐसे कट लगा लिया है। तो चलिए अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और 3 टेबलस्पून दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। दोस्तों अब एक पैन में हम 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही इसमें कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 3-4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 4-5 लौंग, 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री, 10-12 काली मिर्च और 5-6 लाल मिर्च को डाल के हम फ्राई कर लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। अब इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून जीरा, क्योंकि जीरा शुरू में जल जाता है तो इसे हम लास्ट में ही डालेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने 10 मीडियम साइज के प्याज को फाइन चॉप कर लिया है, तो आइए इसमें हम डाल देते हैं। इतना प्याज हमारा पानी रिलीज करेगा जिससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों चिकन स्ट्यू में पानी कम ही पड़ता है। प्याज को हमें 4 से 5 मिनट फ्राई करना है जिससे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। 4 से 5 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें डालते हैं मैरिनेटेड चिकन और चिकन को हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। दोस्तों 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें हम 2 इंच अदरक डाल लेते हैं और 5-6 हरी मिर्च डाल के इसे 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए और इसके कच्चेपन का टेस्ट ना आए खाने में। अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 4 मीडियम साइज के टमाटर डाल के हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। तीन से चार मिनट बाद टमाटर सॉफ्ट हो गया है और चिकन ने भी काफी पानी रिलीज कर दिया है, तो आइए एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों अब फ्लेम को लो करके हम इसमें दही डाल लेते हैं 1/2 कप और इसे फटाफट मिक्स कर लेते हैं ताकि दही फटे ना। और इसे हम ढक लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट बाद हम ढक्कन खोल लेते हैं और ये देखिए चिकन और प्याज ने कितना पानी रिलीज किया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। अब मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ 1/4 कप और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं जब तक हमारा चिकन पक ना जाए। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला। दोस्तों आप गरम मसाला लास्ट में ही डालें ताकि ये जले नहीं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढक लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेते हैं और दोस्तों ये देखिए आपका डिलीशियस चिकन स्ट्यू बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आइए अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं और इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। दोस्तों इससे टेस्टी चिकन स्ट्यू मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाया, आप इसे जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों आप इसे एक बार घर पे बनाओगे तो होटल और रेस्टोरेंट का टेस्ट बिल्कुल भूल जाओगे। दोस्तों ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।